दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपका फ़ोन गलती से भी पानी में गिर जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि आप यदि आपका फ़ोन गलती से भी पानी में गिर जाए तो आप क्या करें। जीवन में इंसान को सुकून से जीने के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वैसे भी आज के ज़माने में जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई और तनाव की परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है, और इंसान की और आधुनिकता के साथ आए फ़ोन नाम के उपकरण ने हमारी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इसने एक तरफ जो जगह की दूरियां कम करी है, वही रिश्तों के बीच की दूरियां बढ़ा दी हैं। कुछ उसके साथ ना हो, इंसान जहां भी जाता है मोबाइल ज़रूर लेके जाता है। तो अक्सर कई लोगों का फ़ोन पानी में गिर जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उस समय उन्हें क्या करना चाहिए। जल्दबाजी में आप ऐसी हरकत मत कीजिए। तो दोस्तों उस समय हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से फ़ोन को पानी से बाहर निकाल लेना चाहिए। जब भी मोबाइल पानी में गिर जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पानी से बाहर निकाल लें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकाल लें और उसके सारे पार्ट अलग अलग कर दें। बैटरी बाहर निकालें, जितनी फुर्ती से आप अपने फ़ोन की बैटरी बाहर निकालेंगे, आप उसे स्टार्ट करने की गलती किए बिना दोगुनी फुर्ती से उसकी बैटरी बाहर निकाल लें। बैटरी को निकाल कर उसे फ़ोन और किसी साफ कपड़े से पोंछें। सिम कार्ड बाहर निकालें, बैटरी को बाहर निकालने के बाद आप सिम कार्ड को बाहर निकालें और साफ कपड़े से पोंछें। अनप्लग एक्सटर्नल डिवाइसेस, मोबाइल को किसी गैजेट या ईयरफोन से कनेक्ट कर रखा हो तो उसे हटाएं, अगर स्क्रीन गार्ड लगा हो तो उसे भी हटा दें, अगर वैक्यूम क्लीनर हो तो उसका प्रयोग करें। फ़ोन के पानी को हटाने के लिए आज वैक्यूम क्लीनर का भी यूज़ ज़्यादा हो रहा है। लगभग 20 मिनट तक आप ऐसा कर सकते हैं और इस दौरान फ़ोन को चारों तरफ पलटते रहें। वैक्यूम क्लीनर की मदद से भी आप फ़ोन को अपने बचा सकते हैं। हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें, गलती से भी आप हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें, क्योंकि हेयर ड्रायर हेयर के लिए बनाए ना कि फ़ोन के बचाने के लिए। भूलकर भी इस समस्या में अपने फ़ोन पर हेयर ड्रायर का प्रयोग ना करें, वरना हवा से फ़ोन के जिन पार्ट्स में पानी नहीं गया है वहाँ भी पानी पहुँच जाएगा और इसके साथ ही गर्म हवा से फ़ोन के कुछ पार्ट पिघल भी सकते हैं। दोस्तों ये सबसे तगड़ा आजमाया है वो नुस्खा बता रहे हैं, प्लास्टिक बैग के अंदर चावल डालकर भी सुखा सकते हैं। फ़ोन की मॉइस्चर हटाने के लिए उसे प्लास्टिक के बैग में चावल डालकर रखा जा सकता है। इसकी जगह पर आप सिलिका जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उस समय टाइम से ज़्यादा ज़रूरी आपका फ़ोन आपके लिए होता है। तो दोस्तों ये तगड़ा नुस्खा हम बता रहे हैं, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। या इसके नहीं कर सकते तो सूरज की रोशनी में रख दे फ़ोन, सब सारे पार्ट को पोंछ ले और कुछ समय के लिए इन्हें सनलाइट में रख दे, इससे आपका फ़ोन बच सकता है। बैटरी 24 घंटे तक ना डालें, कम से कम 24 घंटे बाद फ़ोन को फिर से देखें, और अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन और सारे पार्ट सही से सूख चुके हैं तभी आप उसमें बैटरी डालें। अब अगर फ़ोन चल जाए तो ठीक, वरना बैटरी को चार्ज करके दोबारा चेक करें। इतना सब करने के बाद अगर आपका फ़ोन नहीं चल रहा है तो किसी नज़दीक सर्विस सेंटर में जाएं। दोस्तों सेंटर वालों से यह बात बिल्कुल ना छिपाएं कि आपका फ़ोन पानी में नहीं गिरा था। अब इतना सब करने के बाद भी आपका फ़ोन ना चले तो उसे भगवान ही बचा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी यदि उनका भी फ़ोन गलती से गिर गया या गिर जाए भविष्य में तो वो अपने फ़ोन को बचा सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर कोई भी वीडियो अपने मनपसंद टॉपिक की चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं और हम उस वीडियो को बना देंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, विश यू।